राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। तुष्टिकरण परिवारवाद पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि विपक्षी दलों में सिर्फ परिवार के विकास की सोच है, ये लोग अपने बेटों को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शाह ने कहा कि इस बार कौरव और पांडव की लड़ाई है, एक तरफ परिवारवादी कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी पांडव है, जनता को इन दोनों में से चुनना है। इंडी गठबंधन पर अमित शाह का वार देखने को मिला और उन्होंने कहा कि कई आरोप भी उन्होंने उठाए हैं और साथ ही एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पूरे देश में कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 इस मिशन पर हमें जुट जाना है। भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ अमित शाह ने तीसरे टर्म की सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि तीसरे टर्म में देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार किया। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। अमित शाह ने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह महाभारत के समय पांडव और कौरव दो खेमे में थे, उसी तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दो खेमा है। शाह ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का पोषक है और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। चुनाव दो खेमे पड़े हुए हैं, महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, सात परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते, ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं अधिवेशन में आए बीजेपी नेताओं ने भी इंडी गठबंधन पर वार करते हुए यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया। निश्चित रूप से हम लोगों का लक्ष्य 80 के 80 पार्लियामेंट सीट जीतने का है
और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज लोक कल्याणकारी योजना, लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की तेज गति से बढ़ता हुआ विकास की गतिविधियां, चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और जनता के सेटिस्फेक्शन के आधार पर निश्चित रूप से हम लोग अपने 80 के 80 लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए इंडी गठबंधन जो है उसमें गठबंधन तो पहले ही हो चुका है, अब वो गठबंधन नाम की चीज नहीं है, अब वो मात्र कांग्रेस का एक अपर पक्ष नेतृत्व का एक बंधन बंधा हुआ है कुछ लोगों के साथ में, और वो बंधन भी जल्दी टूटेगा। और आप देख सकते हैं कि चुनाव तक जिस तरीके से वृहद पैमाने पर आकर्षण मोदी जी के प्रति बढ़ा है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनकी असफल हो रही है न्याय यात्रा जो थी, और जिस प्रकार से दल टूट रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो 400 पार का आंकड़ा है वो निश्चित रूप में वो क्रास होगा। अमित शाह ने न सिर्फ बीजेपी की रणनीति और 24 के मिशन की जीत का टारगेट साफ किया, बल्कि अधिवेशन के दौरान विपक्षी गठबंधन पर भी करारा प्रहार किया। साफ है कि बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार के लक्ष्य में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।